हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। टॉप 10,000 जीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 301 रहेगा, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनेगा? वो आप आँखों की रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 302 दिया हुआ है आपको, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर किस तरह से आएगा? विकिरण के द्वारा आता है। ठीक है, तो ऊष्मा का संचरण किस तरह से होगा? आपका विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 303 दिया हुआ है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने आपके डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। ठीक है, डबल हेलिक्स संरचना बोलते हैं इसे। इसका सबसे पहले पता किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर लगाया था। ठीक है, डबल हेलिक्स संरचना ध्यान रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 304 दिया हुआ है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में आपकी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 305 दिया हुआ है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 306, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज होता है वो। ठीक, जब किसी वेबसाइट के पहले पेज पर जाएंगे हम, तो वो जो पेज रहेगा आपका, वो आपका होम पेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 307, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो उत्तल दर्पण होता है इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। ठीक है, साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सभी गाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 308 दिया हुआ है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में जो ध्वनि की गति होती है हवा में, वो 332 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी ध्वनि की स्पीड होती है वायु में। ठीक है, ध्यान रखना, 332 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 309 दिया हुआ है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, यानी कि पृथ्वी की दिशा के जस्ट उल्टा? तो आपका शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी की दिशा से उल्टी धुरी पर घूमता है आपका। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है। शुक्र के अलावा एक और ग्रह है आपका अरुण ग्रह जो है, वो भी आपका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। ठीक है, एक तो सेकंड वाला और एक सेकंड लास्ट, यानी कि बुध शुक्र, शुक्र सेकंड वाला है और शनि अरुण और वरुण, तो अरुण आपका सेकंड लास्ट है। तो ये दोनों ग्रह जो होंगे ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमेंगे। ठीक है, ये बाकी सभी ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूमते हैं, शुक्र और अरुण, ये दोनों आपके उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 310, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो जो हाइड्रोजन है वो सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन और फिर हीलियम, सबसे ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 311, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, इसलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा आपका शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकीला होता है और पृथ्वी से दिखाई भी देता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 312, सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 अरब वर्ष होती है आपकी सौरमंडल की आयु। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 313, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है ये आपका 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 314, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 315 दिया हुआ है आपको, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 500 सेकंड, या फिर बोल सकते हो 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है आपका सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, और 500 सेकंड, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 316, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण आपका पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, पोखरण कहाँ पे? आपका राजस्थान में। और कब हुआ था ये? 14 मई 1974 को किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, पहला परमाणु परीक्षण आपका 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 317 दिया हुआ है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, और वो भाग जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते वो क्या बोलाता है? आपका सॉफ्टवेयर होता है वो। ठीक है,
जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो आपका हार्डवेयर, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते वो आपका सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 318 दिया हुआ है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो जो रेडॉन गैस होती है ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होती है, ठीक है, सब ध्यान रखना है इसे। जो रेडॉन गैस होती है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त की जाती है, और उत्कृष्ट गैस है आपको पता ही है कौन सी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 319, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम होता है, ये मोनोजाइट बालू में पाया जाने वाला खनिज है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 320, शरीर में कौन सी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? तो थायराइड जो होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपके शरीर के अंदर, ठीक है, थायराइड है आपकी जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 321, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो जो व्हेल मछली है आपकी, ये सबसे बड़ी संसार की विशालतम स्तनधारी मछली है, ठीक है, सबसे बड़ा जीव है ये। क्वेश्चन नंबर 322 दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो जो लैंड स्टेनर थे इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 323, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो जो बॉक्साइड है आपका, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 324, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो जो स्पुतनिक फर्स्ट था आपका, ये पहला कृत्रिम उपग्रह था, किसने छोड़ा था इसे? इसे रूस ने छोड़ा था, ठीक है, सबसे पहले रूस ने अपना कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था, स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 325, किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 326 दिया हुआ है आपको, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ये आपकी रैम होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसे, रैम होती है आपकी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। और स्थायी मेमोरी कौन सी होती है आपकी? स्थायी मेमोरी होती है आपकी रोम, इसे बोलते रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होती है ये आपकी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। और जो रैम होती है ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, इसमें आपकी कैश मेमोरी आती है जो कुछ टाइम के लिए रहती है फिर हट जाती है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, रैम का है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 327, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता आपकी रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन 328, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो जो एल्यूमिनियम होती है ये सबसे ज़्यादा भूपटल में होती स्थित होती है, ठीक है, पाई जाती है आपकी भूपटल में। क्वेश्चन नंबर 329 दिया हुआ है आपको, किस ग्रह को सांझ तारा कहा जाता है? बताया था मैं कि सांझ का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र को, और भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो घूर्णन की दिशा होती है वो पृथ्वी की दिशा के जस्ट विपरीत होती है, जैसे कि पृथ्वी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 330, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो शोभ मंडल कहलाती है आपकी। टोटल वायुमंडल में 4-5 सतह होती है आपकी, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहाय मंडल। तो सबसे निचली सतह जो होती है आपकी शोभ मंडल होती है, उसके बाद आपकी समताप मंडल आती है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बहाय मंडल। इस तरह से 5 सतह होती है आपकी पृथ्वी की। तो सबसे निचली सतह कौन सी होती है आपकी? शोभ मंडल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये आपके इस वीडियो का, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू गाइज़।